Allahu 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 Allah। हमारे अंदर 100 मसले मसाइल थे मशरिक के लोगों में, दो चीज़ें नहीं थी। एक हमारे अंदर पागलपन और जहनी बीमारी नहीं थी, और एक हमारे अंदर बांझपन नहीं था। और आज यही दो चीज़ें हमारी ईस्ट में बहुत ज़्यादा हैं। हर घर में बांझपन है, पन है। कहीं पे आपको अक्सर घरों में आपको नज़र आएगा कि बच्चा ही नहीं है। और एक ये जहनी बीमारी है, ईस्ट के लोगों में नहीं होती थी। बड़े फ्रेश पीसफुल लोग होते थे। हिस्ट्री आप उठा के पढ़ लें, यहाँ पे बहुत कोई पैदाइशी पागलपन किसी के अंदर हो तो वो होता था, लेकिन ये जो एंग्जाइटी और ये जो डिप्रेशन और इस तरह की जहनी बीमारियाँ, इनका नामो निशान मौजूद नहीं था। ये बड़ी मॉडर्न चीज़ है। तो ये आई कहाँ से और ये क्यों आ रही है, इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, रीज़न्स हैं, मैं वन बाय वन सबको टच करता हूँ। नंबर वन जो है, ये जो हमारा अर्बन लाइफस्टाइल है, इसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। आपको ये जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये विलेज लाइफस्टाइल में बहुत कम मिलेंगी। तो हमारा अर्बन लाइफस्टाइल है, इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा है। कुछ जो हमारे रूरल लाइफस्टाइल है वहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर ये आपको अर्बन लाइफस्टाइल में मिलेगा। और अर्बन लाइफस्टाइल में आप देखें क्या है, हमारे पास आज के दौर के कम्युनिकेशन सिस्टम मोस्ट एडवांस हैं। अब यहाँ बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में लाइव वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे बंदे को बिल्कुल उसी तरह देख सकते हैं जैसे वो इतनी दूर मौजूद है। और आज के लाइफस्टाइल में हम अक्सर आप देखेंगे कि जो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बैंकिंग बेस्ड है, पेपर करेंसी बेस्ड है। यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो अर्बन लाइफस्टाइल है, ये जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का मज़हर है। और कैपिटलिज्म क्या है, हम इसको अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटलिज्म इज़ लाइक द सेकंड डे ऑफ द जाल। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के इख्तियार में है इससे बाहर निकलना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, कैपिटलिस्टिक सिस्टम है दुनिया का, ये दज्जाल के दूसरे दिन की मानिंद है। पहला दिन जो है वो कॉलोनियल ब्रिटिश राज जो दुनिया में था वो हो सकता है, दूसरा दिन कैपिटलिज्म है, तीसरा दिन कोई और हो सकता है, वल्लाहु आलम, जो पैक्स जुदाइका है प्रॉब्ली वो हो सकता है। तो दज्जाल के बारे में क्या आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो उसके साथ एक जन्नत होगी और उसके साथ एक आग होगी, उसके साथ एक रोटियों का पहाड़ होगा। फिर आप सल्लम की कुछ रवायात में पानी के अल्फाज आते हैं कि उसके साथ एक पानी होगा और एक आग होगी। तो आप सल्लम ने मज़ीद फरमाया कि जिसको वो अपनी जन्नत में दाखिल करेगा वो दरअसल आग में होगा, और जिसको वो अपनी आग में दाखिल करेगा वो दरअसल जन्नत में होगा। यानी कि जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और दज्जाल का ये जो सिस्टम है, इसके अंदर इन्वॉल्व जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो गोया आग में होगा। तो यानी कि अपरेंटली अगर आप रूरल लाइफस्टाइल वालों से पूछें अर्बन लाइफस्टाइल का, तो वो उसको बिल्कुल बड़ा ड्रूल वर्दी समझते हैं कि वाह क्या बात है जी, चमकती हुई गाड़ी भी है और बड़े जी मॉडर्न खाने भी खाते हैं, मैकडोनल्ड्स के बगैर रहा नहीं जाता, कपड़े भी बड़े मॉडर्न लाइफस्टाइल में पहनते हैं, कम्युनिकेशन के टूल्स भी बड़े एडवांस हैं, घर में बटन दबाने के ऊपर एसी भी चलता है, हर चीज़ है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि नज़र ऐसे आ रहा है कि वो जन्नत में है लेकिन दरअसल आग में है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आपस में मुख्तलिफ इख्तलाफात और झगड़े और सब कुछ तो है अर्बन लाइफस्टाइल में। और अर्बन वालों को क्या नज़र आ रहा है कि रूरल वाले तो वो देखो तो वो तो आग में, ओ जी पानी गागरों में भरकर लाना पड़ता है कस्सियों से, और लकड़ियां जमा करके जलानी पड़ती हैं चूल्हे में, कि वो आग में है। नज़र ऐसे आ रहा है कि वो मुसीबत में, परेशानी में है, लेकिन दरअसल जो पीस और सुकून उनको अवेलेबल है जिस जन्नत में वो हैं, वो अर्बन लाइफस्टाइल वाले नहीं हैं। ये इसको पूरा एंड तक सुने, बात को यहीं पे ख़त्म ना कर दें। ये बिल्कुल एक वन ऑफ द रीजन मैंने बताई है कि जो दज्जालिक सिस्टम है, दज्जाल का जो फर्स्ट डे सेकंड डे है, उसकी वजह से ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। एक बात
अभी मैं इसके एंड में इसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, तो बिल्कुल एंड तक आपने बात पूरी सुननी है। जो सेकंड रीज़न उसकी है कि जूं जूं वक्त गुजर रहा है और जूं जूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लोग जो हैं वो अल्लाह के साथ कुर्ब के हवाले से तकवा के लिहाज से बेहतरीन लोग थे। उसके बाद जो लोग आए वो उसके बाद के लेवल, उसके बाद के लोग उसका बाद का लेवल, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब तक जो टाइम गुजर चुका है वो उन बेहतरीन लोगों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही के नूर से बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अब शैतनत और शैतानियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इबलीस की चालें बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, कि जिनके बारे में फरमा दिया गया कि जिस गली से उमर गुजरता है शैतान भी रास्ता बदल लेता है। उस तरह के लोग, उस तरह का जो तकवा है वो दूर हो, वो बहुत उससे डिस्टेंस आ गया। तो यानी शैतनत और शैतानियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज के दौर में आपको मालूम पड़ेगा कि जादू टोने और ये हर जगह मौजूद हैं। बड़ा अच्छा आपको हाउस होल्ड नज़र आएगा, बड़े अच्छे लोग नज़र आएंगे, लेकिन हमारी सोसाइटी में हर तीसरे चौथे घर में ऐसी औरतें और ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैसे देकर दूसरों के ऊपर जादू टोने करवाते हैं। तो वन ऑफ द रीजंस, सेकंड रीज़न ये भी है कि अक्सर जो है वो इस तरह के असरात, शयातीन और ये जो जादू टोने, इसकी वजह से भी लोगों के ऊपर ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये पागलपन के दौरे पड़ते हैं। और तीसरी रीज़न, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, सॉरी ये कुरान की आयत है कि वमा असाबकुम बिमुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी, मुसीबत, तंगी नहीं आती बल्कि तुम्हारे हाथों की कमाई होती है। तो हमारे अंदर की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, ख़ासकर हमारे घरों में ये आम हो चुका है, दीवारों पर घरों में तस्वीरें लगाना, जो भी थोड़ा सा डिसेंट जिसको या थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास हाउस होल्ड देखेंगे उनके लिए तो लाजमी है ना कि ड्राइंग रूम में मुजस्मे रखने। पता नहीं ये कहाँ से ट्रेंड चला है, मैं तो खुद हूँ कि पता नहीं ये एक ना एक वो फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है कि कोई तोता, कोई शेर और कोई हिरन और ये चीज़ें जब तक ड्राइंग रूम में ना रखें ड्राइंग रूम कम्प्लीट ही नहीं होता उनका। ये सारी चीज़ें शिर्क अकबर करने वालों से मुशाबहत है और शिर्क एक फॉर्म है, अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। वो मैंने पिछले दिनों भी ये बात की थी तो मुझसे बिल्कुल बहस शुरू कर दी वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके कि जी नहीं 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 वो तो इंटेंशन पे होता है, खूबसूरती के लिए अगर किसी ने रखा है तो इसमें क्या अर्ज है। अगर खूबसूरती के लिए इतना जायज़ होता ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उन बुतों को तोड़ते ना जो काबा के अंदर रखे हुए थे, जो हमने आर्ट और कल्चर और वो हिस्टोरिक उसके नाम पे रखे हुए हैं तो वो भी रहने देते नऊज़ु बिल्लाह के ठीक है ये हिस्ट्री है ये पढ़ा रहे लोग आएंगे इसको देखने के लिए कि जी बड़ी हिस्ट्री थी और अब यहाँ से शिर खत्म हो गया आइंदा से हम इनको पूजेंगे नहीं लेकिन रखी रखेंगे नहीं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाश पाश कर दिया उन बुतों को, कोई निशान बाकी नहीं रहने दिया, पता नहीं हज़ारों सैकड़ों सालों से वो वहीं पर पड़े हुए थे, कोई हिस्ट्री नहीं रहने दी। बुत परस्ती की कोई हिस्ट्री मौजूद है आज वहां पर? कोई हिस्ट्री आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रहने दी और जहां पे भी मुसलमान गए शिर्क का इसी तरह कला कमा किया। तो ये जो खासकर शिर्क है अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, जो सूद हमारी सोसाइटी में फैल चुका है, आज हम सब सूद ऐसे खा रहे हैं कि जैसे आप सल्लम की हदीस के मुताबिक धुआं खाते हैं, धुआं आसमान में उड़ रहा है किसी जगह से तो हर किसी के मुंह में जा रहा है पता ही नहीं चल रहा उसको। इसी तरह सूद है, हर एक उसमें इन्वॉल्व है, खा रहा है, ले दे कर रहा है और उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा। तो ये जो आज के दौर में मसाइल गुनाह हैं उसकी वजह से भी ये जो सकीनत है और जो रहमत है अल्लाह की और जो पीस है ये आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है। अब आ जाएं इलाज की तरफ। सबसे पहली बात हमने ये की कि ये फितना दज्जाल की वजह से है, दूसरी बात हमने की कि जादू टोने की वजह से भी अक्सर घरों में है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे घरों में तो हम शिर्क से बचने की कोशिश करते हैं, हमारा कोई जो बैंक की जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं
वो चीज़ें हैं और सूद की लेन देन मामलात हैं उनको हम बड़े मोहतात अंदाज में करते हैं, हम उससे बचते हैं, फिर भी हमारे घरों में ये चीज़ मौजूद है। बल्कि अक्सर कुछ ऐसे घर हैं उनमें तो बाकी घरों से ज़्यादा है, फिर क्यों है? तो उसकी वजह मैंने बता दी कि वो अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, वो जादू टोने और शयातीन की दुश्मनी और असरात की वजह से भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ हमने डिस्कस की कि हमारी अपनी गलतियों कोताहीियों की वजह से, हमारी अपनी शॉर्ट कमिंग की वजह से, शिर्क की वजह से, शिर्क में इन्वॉल्व चाहते ना चाहते हुए होने की वजह से भी ये मसाइल हैं।